चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई है ये अब तय हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को लेकर काफी गुस्से में भी दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि इस धांधली के कारण 8 वोटों को जानबूझकर रद्द किया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि लोकतंत्र से किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि इन 8 वोटों को जिनको इस अधिकारी ने रद्द किया था उन्हें वैलिड माना जाएगा, यानी ये वोट अब वैध होंगे। अनिल मसीह ने अपनी गलती मानी है। बता दें कि पक्ष में कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको ये वोट डाले गए थे। बता दें कि अनिल मसीह ने खिलवाड़ करते हुए इन्हीं मतपत्रों को खारिज कर दिया था और उनपे एक्स मार्क लगा दिया था। इसके पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह से सवाल पूछा और साथ ही ये भी कहा कि अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो आप पर केस चलाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया था कि मिस्टर मसीह, वीडियो हमने भी देखा है, आप आखिर क्या कर रहे थे? जिस पर सीजीआई ने एक बार फिर सवाल दागा कि वीडियो से जान पड़ता है कि बैलेट पेपर्स पर क्या सही में आपने कुछ ऐसा लिखा था। आपने इस सवाल का जवाब केवल हाँ या ना में देना है, जिसके जवाब में मसीह ने हाँ में जवाब दिया। फिर सीजीआई ने सवाल किया कि आपने बैलेट के साथ छेड़छाड़ क्यों की, आपको तो उन पर केवल साइन करना था, आपने ये रूल कहाँ पढ़ा है कि साइन के अलावा आपने बैलेट पर कुछ और भी लिख सकते हैं? जिसके जवाब में मसीह की जुबां साफ तौर पर लड़खड़ाने लगी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब गुस्सा होने लगे तो मसीह ने अपनी गलती को मान लिया और उसने एक्स मार्क कर वोटों को इनवैलिड किया था, साफ तौर से उसने कह दिया। अदालत इस मामले को लेकर सख्त हुआ और सख्ती से फैसला लिया। अब आगे केवल मतपत्रों की गिनती होनी है, यानी इस हिसाब से 8 वोट आम आदमी पार्टी को ही मिलेंगे, यानी अब आम आदमी पार्टी के कुलदीप मेयर बनेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के जीतने वाले मेयर ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उसे मालूम पड़ रहा था कि कुछ ना कुछ तो इस मेयर चुनाव में गड़बड़ी हुई है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अब फंस चुकी है। सवाल है कि आखिर मसीह ने किसके कहने पर यह काम किया था? सबसे बड़ा सवाल अपने आप में तो यही है कि आखिर मसीह कैमरे के सामने बेधड़क इतनी ज्यादती कैसे कर लिया? क्या मसीह को कानून का डर नहीं था, या मसीह को किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था? फिलहाल मामले की सुनवाई सीजीआई खुद कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों को यह उम्मीद लगी थी कि सीजीआई कोई बड़ा फैसला लेंगे और ऐसा करने वाले अधिकारियों के लिए एक नजीर भी पेश करेंगे। सीजीआई के इस रवैये के बाद आने वाले समय में अधिकारी अब ऐसा करने से जरूर खौफजदा होंगे, क्योंकि कैमरे पर जब ऐसा कोई कुछ कर सकता है तो कैमरे के पीछे क्या करता होगा, इसमें बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे।